छतरपुर जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार यात्री बस अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। दरअसल राय बस सर्विस के ड्राइवर और स्टाफ ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक प्रसूता महिला को बिना देरी किए जिला अस्पताल पहुंचाया ताकि महिला प्रसव के लिए समय से अस्पताल पहुंच सके। रिशारा गांव की प्रसूता महिला मंकू शर्मा को प्रसव पीड़ा के चलते जंगली वाहन से भगवा अस्पताल लाया गया। इसके बाद वहां प्रसूता महिला को बड़ा मलहरा अस्पताल भेजा गया। महिला की हालत ठीक न होने के कारण उसे बड़ा मलेरा से जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रसूता महिला के परिजन परेशान थे। तत्काल में ना तो जननी एक्सप्रेस मिल रही थी और ना ही कोई अन्य वाहन उपलब्ध था। ऐसे में बड़ा मलेरा की राय बस कंपनी की यात्री बस के स्टाफ ने मानवता का परिचय देते हुए आनंद फानंद में प्रसूता महिला और उसके परिजनों को जिला अस्पताल पहुँचाया। इतना ही नहीं, 50 किलोमीटर के सफर में यात्री बस के ड्राइवर और स्टाफ ने कोई सवारी नहीं बैठाई और जितनी जल्दी हो सका प्रसूता को जिला अस्पताल पहुँचाने में मदद की। यात्री बस ड्राइवर और स्टाफ के इस नेक कार्य की तारीफ न सिर्फ प्रसूता महिला के परिजन कर रहे हैं बल्कि हर ओर इन लोगों की तारीफ की जा रही है। परेशान हो रहेगी, जैसे हम कल बुलाओ उन्हें सास न जाती अस्पताल है, सो हमें बुलाओ, सो हम आए बस रात है कि पानी चालू होगा, सो हम लेके बूते भागी घर होते भागो स्टेशन तो लियाओ फटाफट। गाड़ी आई कि नहीं आई? लोवा में गाड़ी आई थी, उधर से आई थी। फिर वो भगवान से मलारा तक आई, मलारा से छतरपुर की कई थी, सो नहीं आए। पानी चालू 10 बजे से है और जी आई नहीं है, और जी नर्सन ने देखो भी नहीं है, कहते हैं कहाँ लोग देखे, वो तो जब होने होंगे सो हो जाए। तो बस वाले ने सहायता की आपकी? कही है, हाँ कही है बेटा, नहीं तो कौन बस में हते लो नहीं थे आदमी। किस बस से? राय बस से, बड़ा मलेरा। कैसी स्थिति थी इस महिला की? बहुत परेशान थी, वो चिल्ले आ रही थी वो। तो आप सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए? सीधा हॉस्पिटल, कोई सवारी रास्ते में नहीं खाई, डायरेक्ट हॉस्पिटल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।